हेलो फ्रेंड्स, कमल किचन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी और रमज़ान स्पेशल बनाएंगे पकोड़े। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए हमने 3 हरी मिर्च कट कर लिया है और हरी धनिया है ये, और प्याज, गाजर और ये है पत्ता गोभी। इन सभी को हमने धोकर बारीक कट कर लिया है और इसमें 3 ब्रेड लिया है, आधा कप बेसन है, 2 अंडे हैं और कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है, चाट मसाला 1 चम्मच और 1/4 चम्मच कुटी लाल काली मिर्च है और 1/4 चम्मच हमने काला नमक लिया है। तो चलिए बनाते हैं चटपटे से पकोड़े, या फिर टिक्की कह दीजिए या कबाब कह दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह सा बाउल ले लिया है और सारी सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। और बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, बहुत नखरे करते हैं सब्जियां खाने में, और इस तरह से आप बनाएंगे तो ढेर सारी सब्जियां भी बच्चे खा जाएंगे, चट कर जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें सब्जियां पड़ी हुई हैं, और बहुत ही हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए, और बच्चे तो चटपटे होते ही हैं, चटकारेदार खाते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे बेसन आधा कप, अंडे डाल देंगे, और अब हम इसमें ये मसाले डाल देंगे चटपटे। और ये जो ब्रेड है इसको हम थोड़ा सा पानी में इस तरह से डिप करेंगे और इसको हम निचोड़ देंगे इसे इस तरह से। इस तरह से हम इसको निचोड़ देंगे, ये देखिए। और इसको हम इसको इस तरह से इसका अच्छे से मसल मसल कर इसको अच्छे से इसका हम बैटर रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस बिना पानी के ही ये अच्छे से देखिए हो जाता है, इसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें अंडा है और सब्ज़ी जो हमने धोकर इसको कट किया, तो सब्ज़ियों में भी पानी होता है, तो ये बिना पानी का ये देखिए अच्छे से हो गया है, बहुत ही हेल्दी है। इस तरीके से आप भी बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बच्चे टिफ़िन में है या फिर रमज़ान स्पेशल, इस तरह से रमज़ान में भी बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी का बनता है। इसमें चाट मसाला है, बहुत ही चटपटा बनेगा। देखिए रेडी हो गया बैटर। तो चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस पे हमने पैन चढ़ाया, पैन में हमने 1 चम्मच सरसों का ऑयल डालेंगे और इस तरह से हम इस पर इस तरह से रख के पकौड़े की तरह लेंगे और इस तरह से रख के इस पर फैला देंगे हम गोल गोल शेप में, ये कबाब के शेप में आ जाएगा और बहुत आसान तरीके से बन जाता है, संभाल के हाथ ना चले बस। और ये देखिए इस तरह से हम इस पर रख रख के पकौड़े और इस तरह से फैला देंगे, हमारा कबाब बनकर रेडी हो जाएगा इस तरह से। पैन में इतना डालिए कि जितना आप आसानी से पलट सकें और सेकते रहें कबाब, और बस इस तरह से हम मीडियम आंच पे इसको अच्छे से हम सेक लेंगे, तेज आंच नहीं करेंगे, स्लो मीडियम ही एकदम आंच रखेंगे ताकि ये सीज सीज के अंदर तक हो जाए और कच्चा ना रहे, क्रिस्पी हमारा कबाब एकदम रेडी हो, क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर तक अच्छे से सेक जाए, अच्छे से कलर आ जाए, तो इसे हम पलट देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स अच्छा से कलर आ गया, इसे हम पलट देंगे। इसी तरह से सारे कबाब हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए एक साइड हो गया, हम दूसरी साइड भी इसको पलट देंगे और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे कबाब के शेप में, आप कबाब की तरह। और ये देखिए इतने आसानी से आराम से ये सिक रहा है अपने से और अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे हम सेक लेंगे। तो हमारे कबाब फ्राई हो गए, इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के कबाब भी फ्राई कर लेंगे। और देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम, कितना प्यारा सा कलर भी आ गया है इसका। और गर्मा गर्म बहुत ही मज़े का लगता है चटनी के साथ। तो इसी तरह से हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे कबाब। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स हमारे गर्मा गर्म चटपटे कबाब बनकर रेडी है। बहुत ही मज़े का वेजिटेबल, बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और हरी चटनी के साथ टोमेटो के और ये देखिए हरी पीसी हुई हमारी और हरी धनिया और हरी मिर्च लहसुन मज़े का अलग चटनी है, बहुत ही टेस्टी है हमारा। और चटपटी चटनी के साथ टोमेटो केचप के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। और इस तरह से रमज़ान में आप बनाइए, बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये हमारा प्यारा सा कबाब बनकर रेडी है, डिलीशियस। और इसे हम आपको तोड़ कर भी दिखा रहे हैं। ये देखिए अंदर तक अच्छा से सिक गया है और गर्मा गर्म बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े का चटपटा हमारा पकौड़ा या फिर कबाब कहें, बहुत ही मज़े का रेडी है। और हरी चटनी के साथ इसका मज़ा ही दुगना है फ्रेंड्स। और इसी तरह से आप भी बनाइए और इंजॉय करिए और रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा ऐसी रेसिपी, बहुत ही अच्छा लगता है और सबको पसंद आने वाला है। और चाहे तो आप हरी चटनी के साथ खाइए या फिर टोमेटो केचप के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस मज़ेदार चटपटा हमारा कबाब बनकर रेडी। और बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला, इसे टिफ़िन में रखिए। स्कूल में तो बच्चे टिफ़िन ले जाएंगे तो चट ही कर देंगे पूरा, इतना टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो थोड़ा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो प्लीज़। और इसी तरह से हम नई नई रेसिपी लाते रहेंगे और फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा। और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।